हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो यार, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल से पहचान गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो यार, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये मेरी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 खड़ी है, जो BS4 मॉडल है। बहुत मतलब अच्छी पावर तो है, टॉर्क अच्छा है। रिव्यू वीडियो अगर चाहिए तो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, देख लीजिएगा, जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा मेरा चैनल। बाकी यार, मॉडिफिकेशन मैं आपको उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, एक एक डिटेल में जाऊँगा और बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। तो यार, सबसे पहले यार आगे से बाइक के स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन की। यार, ये जो ग्रिल है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाई, जो बाइक के साथ लग के नहीं आती। ये मेरी टूट गई थी तो मैंने नई लगाई, डायमंड कट ग्रिल कहते हैं इसे बाइक की, और बहुत बहुत मजबूत ग्रिल है ये। और ये इंडिकेटर का सेट और पीछे टेल लाइट का सेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब पूरा सेट आता है पीसेस का, और इसमें यहाँ भी सेट था पर इन दो आइस पे भी लगता डायमंड कट ग्रिल, पर थोड़ा सा डिफेक्टेड था तो यहाँ नहीं लगाया, मैंने नॉर्मल वाली लगा दी वहाँ। बाकी यार, ये एक मॉडिफिकेशन है जो आप अपनी बाइक में करा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और सेफ्टी अलग है आपकी हेडलाइट और इंडिकेटर्स की। तो ये मॉडिफिकेशन आप अगर कराना चाहते हैं तो ये कहीं भी मिल जाएगी मार्केट में आपको ग्रिल आराम से। और इस ग्रिल का प्राइस था करीब 1200 के आसपास, जहाँ तक थी, बहुत टाइम पहले ली थी, भूल गया मैं। बाकी देख सकते हैं आप, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बढ़िया मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी और गारंटी कुछ नहीं होती इन ग्रिल्स की। और दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो है फॉग लैंप की। फॉग लैंप क्या होता है ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा किसी वीडियो में, बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसी लाइट है बहुत पावरफुल, जो आपको रात में दम दिन बना देगी। बहुत मतलब ज़्यादा मैं मतलब फेक नहीं रहा हूँ, मतलब जो सच है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट है। इस पर चलान भी होता है, पहले आपको बता दूँ मैं, सबसे पहली बात चलान होता है अगर आपने फालतू की लाइट लगाई है। बट भाई इतना कोई ध्यान नहीं देता, बट अगर चलान कटता है तो कटता है यार, ये मैंने आपको बता दिया। ये फॉग लैंप आपको बहुत मार्केट में मिल जाएगी, कॉपीज़ मिल जाएगी, बट आपको लेनी है तो HJG की लेनी है, देख सकते हैं ब्रांडिंग है यहाँ, इस ब्रांड की लेनी है। ये बहुत अच्छी एंड मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत अच्छी लाइट्स निकालता है अपने तरफ से, और उसकी क्वालिटी बहुत हैवी है, देख सकते हो लोहे की है पूरी, है बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी है। बाकी यार, ये जो ग्रिल है ये तो आपको मैंने इसका रेट बता ही दिया, बाकी ये आपको लाइट करीब 2000 रुपीज़ के अंदर पड़ जाएगी विदाउट हजार वायरिंग हार्नेस, मतलब वो जो होता है फ्लैशर आपको मिलता है कि ये ब्लिंकिंग करते हैं, वो सब आपको नहीं मिलेगा इसमें, सिर्फ इतना रहेगा। बाकी यार, ये आप कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, और ये आपको 2000 के अंदर आराम से मिल जाएगी। इसका मैंने स्विच भी यहाँ लगा रखे हैं, देख सकते हो, ये देखो टू वे स्विच है, ये देखिए, अब बंद सेंटर में, नीचे किया तो ऑन, ऊपर किया तो ऑन, बीच में रखा तो बंद हो जाता है। ये स्विच लगाना पड़ेगा आपको, नॉर्मल स्विच से काम नहीं चलने वाला। बाकी ये मॉडिफिकेशन आपको बता ही दी मैंने, और आप LED इंडिकेटर बल्ब लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बाइक में, कि मतलब एक साइड के इंडिकेटर फास्ट ब्लिंक कर रहे थे और एक साइड के नहीं कर रहे थे ब्लिंक, ये सब थोड़ी इशू आती रहती है बाइक में अगर आप उल्टी सीधी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बट यार, कहीं ना कहीं हाइलोजन ज़्यादा बैटरी लेता है, पर ठीक है, जैसा भी है, हाइलोजन बल्ब लगा इसमें, LED नहीं है ये। और बाकी स्टिकरिंग आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टिकर लगाना चाहते हैं। मैंने बहुत स्टिकर्स लगा रखे अपनी बाइक पर। और जो मेन मॉडिफिकेशन आपकी आती है वो है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट की, जो आपका मिनी पंजाब है, मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है, देख सकते हैं। इसका साउंड बहुत अच्छा है, और बाकी इससे भाई हल्की हल्की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। अगर पर एग्जॉस्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो, अगर एग्जॉस्ट के रिलेटेड आपको इस बाइक पर वीडियो चाहिए तो मैंने डिटेल मैंने पूरी अच्छे से बताई है, और वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो देखना भूलना मत, उसमें भी बहुत अच्छी बातें मैंने बताई, बहुत काम की चीज़ है, वो देख लेना। और बाकी एक बार इसका साउंड चेक करो, तो गाइस देख सकते हो कितना भयंकर साउंड है, और क्रैकल्स तो अपने आप मारती है।
अगर आप इस बाइक पे मतलब क्रूज करते हैं एग्जॉस्ट के साथ तो बहुत अच्छा साउंड आता है, मज़ा आ जाती है। और ये एग्जॉस्ट मिनी पंजाब है जो आप परचेज कर सकते हैं। मिनी पंजाब, लॉन्ग पंजाब, कोबरा, डॉल्फिन, शार्क, बहुत मार्केट में आपके पास ऑप्शन है। रेड रूस्टर एक आता है वो लगा सकते हैं, लॉन्ग पंजाब लगा सकते हैं, पटियाला लगा सकते हैं। बहुत एग्जॉस्ट आते हैं रॉयल इनफील्ड के, खासकर सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट आते हैं वो। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसका साउंड बढ़िया लगे वो लगा सकते हैं। पर आपको एक और वार्निंग दे दूँ कि इस एग्जॉस्ट पर भी चलान है, और इसका चलान बहुत भयंकर है, बहुत महंगा चलान है। 10,000 रुपये चलान है अगर एक बार पकड़ी गई आपकी बाइक, और वो सीज़ भी हो सकती है। और सीज़ तो आप जानते हैं, फिर गाड़ी रख ली जाएगी आपकी कुछ दिन जब तक आप छुड़ा नहीं पाते। तो यार ये एग्जॉस्ट बहुत संभल के लगाना, लोकल चलना है तो लगा लेना, अगर कहीं मेन सिटी में जाना है बहुत जहाँ ट्रैफिक रह चेकिंग रहती है वहाँ ये एग्जॉस्ट लगा के गलती से भी मत जाना। और इस एग्जॉस्ट का प्राइस बता देता हूँ, अगर आप बेकार से बेकार लेते हैं तो 2,000 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाएगी इन सब एग्जॉस्ट की, और अगर अच्छी क्वालिटी तक जाना है तो 4,000 तक आप ये एग्जॉस्ट ले सकते हैं। बाकी ये एग्जॉस्ट का साउंड मैंने आपको सुना दिया, बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट का साउंड है यार। बाकी ये मॉडिफिकेशन भी आप नोट कर सकते हैं अपनी बाइक पे कराने के लिए। और बाकी मैंने ये एक लगाया है लीवर प्रोटेक्टर्स जस्ट फॉर फन और लुक के लिए, ये कोई नहीं कराता रॉयल इनफील्ड पर मैंने करा रखा है। ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश में मिल जाएंगे 800 के आसपास, अगर अच्छी कंपनी का लेते हैं, बेटर ब्रांड का, बहुत अच्छी कंपनी का, तो ये 800 के मिल जाएंगे। एक पेयर रहते हैं, एक इस साइड लगा है और एक उस साइड, देख सकते हो। और जो मैंने मॉडिफिकेशंस करा रखी है लेग गार्ड की, देख सकते हो लेग गार्ड भी इसका चेंज है। ये देखो गाइस लेग गार्ड, ये लेग गार्ड आपको मैंने ऑनलाइन मंगाया था बहुत पहले, तो 800 का पड़ा था, अब जहाँ तक इसका प्राइस 1200 तक चला गया, मतलब 1200 तक। ये मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। बाकी मैंने हॉर्न साइड लगा दिए, ये भी एक मॉडिफिकेशन ही है, और इसको ब्लैक कर दिया मैंने हॉर्न को कि लुक अच्छा है। और फिर उसके बाद आप ये इंजन गार्ड लगा सकते हैं, ये भी बहुत सेफ्टी का भी काम करेगा, और लुकिंग वाइज देख सकते हो क्लासिक लिखा है आगे। ये मैंने ख़रीदा था 500 कुछ रुपीज़ का, और ये मार्केट में ये भी मुश्किल है मिलना, पर मिल जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं। इस बाइक में आराम से फिट हो जाता है, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड की शोरूम पर मैंने बात की थी कि भैया मेरे को इंजन गार्ड चाहिए, मतलब श्रम गार्ड जो रॉयल इनफील्ड का आता है, तो भैया ने कहा BS4 गाड़ियों में नहीं आता भाई ये, तो BS6 जितनी बाइकें उनका तो मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बाहर कोई है मतलब मार्केट में वो इसे कट करके बना रहे हैं इंजन गार्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत हार्ड क्वालिटी का यार, मज़ा आ जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी, देख लेना एक बार। क्वालिटी बहुत हार्ड होती है, आप हाथ से मोड़ नहीं सकते, इतना हार्ड होता है, और मतलब कोई चीज़ से भी मारेंगे पत्थर वत्थर से तब भी इतने आराम से नहीं मुड़ने वाला। ये मॉडिफिकेशन आप करा सकते हैं। बाकी यार मैंने एक इधर लाइट लगाई थी, आप देखे होंगे मेरी रील्स में, वो मैंने हटा दी, कुछ रीज़न था, बहुत बैटरी पी रही थी वो। और आप हज़ार्ड फ्लैशर लगा सकते हैं, दिखा देता हूँ इसका वर्क पहले आपको मैं, कितना बढ़िया वर्किंग है ये देख सकते हो, देख लो, बहुत कम दिख रहा होगा, सुबह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हाइलोजन लगा है, देख सकते हो इंडिकेटर चारों ब्लिंक होंगे पीछे के भी। ये आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। और ये मैंने 300 का बहुत चीप वाला ख़रीदा था, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कैसा होता है, बाकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं इस फ्लैशर की, बहुत कम फ्लैशर काम आते हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं आप हाईवे हाईवे पे काम आएंगे, और ठंडी के टाइम काम आएंगे। आप ये भी लगा सकते हैं, ये आपको येल्लो कलर में खुद मिलती है कंपनी से, बट मैंने इसमें रेड लगाई है, पहले कुछ दिन पहले ब्लू थी, अब रेड लगाई। 10 रुपीज़ का 1 बल्ब आता है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। और हज़ार्ड फ्लैशर मैंने बता ही दिया 300 रुपये का था 300, और बढ़िया क्वालिटी में जाएंगे तो 400 तक 500 तक ले लीजिएगा मेरा मानना है, और विदाउट वायरिंग कट किए कराइएगा मॉडिफिकेशंस। बाकी यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं मैंने कराई है। और सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको एकदम बेटर क्वालिटी में भी जाना, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लैशर चाहिए, तो 2,000 रुपीज़ का आता है फ्लैश एक्स और सिमटेक का, ये दो कंपनी है जो बहुत अच्छे फ्लैशर निकालती है 60+ पैटर्न्स के साथ। मेरा वाला जो है 16+ पैटर्न है और वो 60+, तो बहुत अंतर है यार इन सब में। बाकी वो बहुत बढ़िया होता है, ये भी बढ़िया है, ठीक ठाक है। बाकी यार मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी, एक PPF करा रखा है हमने टैंक पर, कि
वाइट है, पीला ना पड़े, इसका कलर डल ना हो और स्क्रैचेस कम आए। बाकी पीपीएफ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा क्या होती पीपीएफ, और डिफरेंस बता दूंगा लेमिनेशन और पीपीएफ में, पीपीएफ में क्या होता है। बाकी यार बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, इस वीडियो में इतना ही था कि मॉडिफिकेशंस कौन सी करते हैं। बाकी अभी और मॉडिफिकेशंस अगर मैं कराता हूँ तो आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक यार कुछ मॉडिफिकेशन मैं भी करा लूँ अच्छी अच्छी। आप भी बताना आपको कौन सी मॉडिफिकेशन अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, और वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।